हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड की कैसे सुरक्षा करें और ये कितने दिन बाद सूखने के बाद गिरती है, इसकी वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 इंच छोड़ के ही काटते हैं और वहाँ पे पिन कर दिया जाता है। और सवाल ये आता है पेरेंट्स का, ये कितने दिन में सूख के अपने आप गिरेगी और इसकी केयर कैसे करनी है, कैसे सफाई करनी है जिससे कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। तो देखिए, बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो 1 से लेकर 3 हफ्ते तक फॉल हो जाती है। 1 से 3 हफ्ते के बीच का समय लग जाता है बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप निकलने में। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को सूख के धीरे धीरे अपने आप वो निकल जाएगी। आपको पुल नहीं करना है, कोई खींचना नहीं है, उसको दबाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस उसकी केयर करनी है, साफ सफाई करनी है। वो किस तरीके से करनी है, आपको कोई प्लेन वाटर ले लेना है, आपको वार्म वाटर ले लेना है, हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। उसमें एक कॉटन स्वैब ले लीजिए, आपको कॉटन का एक गोला बना लेना है और साफ सुथरा होना चाहिए, पानी भी साफ होना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन होने का काफी ज्यादा रिस्क रहता है। तो उस स्वैब को अच्छे से निचोड़िए और बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड को आसपास अच्छे से साफ करिए, उसकी गोलाई में अच्छे से साफ करिए बच्चे को आराम से। तरीके से आप बच्चे की डेली, जब भी बच्चे को आप बात देते हैं उस टाइम पे आप बच्चे की अच्छे से उस एरिया की सफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी सवाल है आपका बच्चों से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी अपने सवाल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।